जन्मदाता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो देन है कि आज हम लोग जो हर कोई का लड़का जो है देश के पार्लियामेंट में या क्या नाम है प्रधान पद के लिए पहुंचने का अगर दावेदार हो रहा है तो इन्हीं के देन है, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना करने का जो पूर्ण रूप से परिपेक्ष के रूप में माना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। पहले ये होता था कि हमारे समाज में सवर्णों का, बड़े बड़े जो लोगों का चार वर्णों में बटा हुआ था, बड़े बड़े लोगों का अर्थात राजा का लड़का राजा होता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि चाहे वह क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी धर्म का हो, उन्हें देश के नंबर वन लोकतंत्र या भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गांव के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का अगर कोई काम किए हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। सन्नी निषाद जिंदाबाद 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 सन्नी निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद सन्नी निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद सन्नी निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा। सन्नी भाई संघर्ष करो, सन्नी भाई संघर्ष करो, सन्नी भाई संघर्ष करो, मार महरिया तान के, 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 सन्नी भाई संघर्ष करो करो, सन्नी भाई संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, सन्नी निषाद जिंदाबाद, सन्नी निषाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मार महरिया तान के।
जीतेगा भाई जीतेगा।